आज मैं आपसे एक कंट्रोवर्सी को लेके बात करना चाहती हूँ जो कि हिज होलीनेस दलाई लामा को लेकर है। और पर उस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे हमारे जो तिब्बतन भाई बहन हैं उनके बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों को तिब्बतन कल्चर के बारे में और तिब्बत के बारे में अवेयरनेस नहीं है। देखिए, तिब्बत वो नेशन है जिसको हमारे हमारा जो नंबर वन एनिमी नेशन है उसने 1950s में कब्जा कर लिया था एक पूरे नेशन पे। आप जैसे सुन रहे हैं ना आज के डेट में कि ताइवान पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है या जो भी है बुलिंग हो रही है ना, वैसे 1950s में एक पूरे देश पे हमारे एनिमी नेशन ने कब्जा कर लिया और वहां के लोगों को वो देश छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने बहुत बहुत टॉर्चर झेले, उनकी पीढ़ियां खत्म कर गई, मास एनहाइलेशन और जेनोसाइड हुए हैं वहां पे, और पूरा विश्व चुपचाप देखता रहा, किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो ये जो तिब्बतन है वो वहां से जो बच निकलने में भाग निकलने में इंक्लूडिंग हिज होलीनेस दलाई लामा सफल हुए, वो दुनिया के अलग अलग देशों में फंस गए जिनको जहां रिफ्यूज मिला। उसमें से जो सबसे बड़ी नंबर में जो रिफ्यूजीज हैं जहां तक मुझे पता है तिब्बतन, वो इंडिया में है। और तिब्बतन इंडिया को अपना सेकेंड होम मानते हैं और तो और इंडिया को अपना स्पिरिचुअल गुरु भी मानते हैं बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटीज ऑफ रिलीजन एंड ऑल। बहुत डीप रूटेड हिस्ट्री है यहाँ पे। तो इस वजह से जो तिब्बतन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लॉयल होते हैं, दे आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली लॉयल टू इंडिया। हर एक तिब्बतन फैमिली में से कम एक मेंबर तो कम से कम स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस में सर्व कर रहा होता है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो इंडिया के पास सबसे बेहतरीन स्पेशल फोर्सेस है ना उसमें से एक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आती है और डिप्लोमेटिक कंस्ट्रेन है इसलिए कभी भी न्यूज में नहीं रहती है। बट अभी तक की जितनी भी वॉर्स हुई है ना, चाहे वो 62 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, गलवान हो, जो ऑपरेशन स्नो लेपर्ड वगैरह है, उन सब में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, सुप्रीम सैक्रिफाइस भी दिया है। कई तिब्बतन फैमिलीज में से हमारे तिब्बतन भाई बहनों ने, बिकॉज लड़कियां भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस में जाती हैं, अपना लहू बहाया है हमारे देश इंडिया की सरहदों की सुरक्षा में और भारत माता के लिए। तो जब ये वीर गति को प्राप्त भी होते हैं तो इनके ऊपर दो झंडे जाते हैं, तो तिरंगा जाता है, एक उनका तिब्बतन झंडा होता है। तो और अभी भी आज भी जो इंडिया के सबसे मोस्ट डिफिकल्ट बॉर्डर एरियाज हैं बिल्कुल एक्सट्रीम्स पे, चाहे वो दौलत बेग उल्डी हो, गलवान तरफ हो, वहां पे आपको स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस डिप्लॉयड मिल जाएंगे। और उनकी वो जो हमारे पास सबसे बेहतरीन पैरा ट्रूपर्स जो है ना उनमें से एक होते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस। ये तो इनकी इनहेरिटेंस है ना, मतलब वो एक्सट्रीम कोल्ड वगैरह में रह लेते हैं, पहाड़ों पर चढ़ लेते हैं, तो इनको इनको मतलब दे आर जस्ट एक्सेलेंट सुपर पैरा ट्रूपर्स। तो इनके बहुत सारे किस्से मैंने सुन रखे हैं बिकॉज जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस हैं उनको इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ही कमांड करते हैं। सो मैं क्योंकि डिफेंस वर्ल्ड से बिलोंग करती हूँ तो मैंने काफी किस्से सुने हैं जो कि पब्लिक में जा भी नहीं सकती, बट जैसे गलवान वॉर में भी मैंने सुना कि कैसे जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस हैं बिल्कुल एक्सट्रीम टेरेन में, एक्सट्रीम सिचुएशन में, एनिमी के बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज में रहते हुए भी पैरा ड्रॉपिंग करी है, मतलब बिल्कुल, और पीक्स को कैप्चर वगैरह करा है और बाकी सेना के लिए उन्होंने रास्ते बनाए हैं बिकॉज वो बहुत जल्दी जल्दी क्लाइंब भी करते हैं। माउंटेनियरिंग जो कैपेसिटी है उनकी वो भी बहुत ही एक्सेलेंट होती है। कारगिल वॉर में भी मैंने सुना है, तो ये बेसिकली हर वॉर में सबसे पहले जाते हैं और बाकी के जो भारतीय सेना है उसके लिए रास्ता बनाते हैं एंड फिर चुपचाप वैनिश हो जाते हैं। इनको पब्लिक ग्लेयर में नहीं लाया जाता है इनको, क्योंकि मेडल्स भी जो होते हैं बहुत ही सीक्रेसी में दिए जाते हैं। रक्षा मंत्री वगैरह, प्रधानमंत्री वगैरह उनको देते हैं चुपचाप, बिल्कुल प्राइवेट सेरेमनी में। तो बट जो इनकी कुर्बानी है ना, जो भारतीय सेना के जो मे सैनिक हैं उनसे कम नहीं है, मैं कहूंगी उनसे ज्यादा ही है, क्योंकि ये दूसरी धरती दूसरे देश से बिलोंग करते हैं। रिफ्यूजीज तो बहुत है और कितनी क्राइसिस क्रिएट करते हैं रिफ्यूजीज आप देख लीजिए, बट ये वैसे दुनिया के सबसे अच्छे रिफ्यूजीज हैं कि जिस देश में जाते हैं वहां बस जाते हैं, वहां के लॉ ऑर्डर के लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं, और तो और भारत के लिए तो ये अपना लहू बहा रहे हैं, हमारी सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, हमारे बच्चों हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, इनकी वजह से हम यहाँ सुरक्षित हैं। तो जब हम अब इस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं, इस होलीनेस दलाई लामा की जो कंट्रोवर्सी है, देखिए वो वीडियो मैंने भी देखा, वो बातें मैंने भी सुनी, बट मैं बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं हुई, क्योंकि
मैं एक सिक्के का एक ही पहलू देख रही हूँ। मैं वहां नहीं थी, मुझे नहीं पता कि किस कंटेक्स्ट में, किस तरह से, किस एंगल से वो वीडियो लिया गया। उस बच्चे का इंटरव्यू देखा, ही वो सो हैप्पी। तो और ये वैसा कल्चर है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो मैं बस इतना कह रही हूँ कि हम अपने आप को इन सेंसिटिव कॉमेंट्स करने से तो रोक ही सकते हैं, हम माइंडफुल हो सकते हैं, स्पेशली अगर हम तिब्बतन कल्चर के बारे में नहीं जानते हैं। तो इतना तो हम इनके लिए कर सकते हैं, बिकॉज जो तिब्बतन होते हैं ना, वो उनके लिए हिज होलीनेस दलाई लामा सिर्फ उनके स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल गुरु ही नहीं है, बल्कि हिज होलीनेस दलाई लामा को भगवान मानते हैं, उन भगवान का इनकारनेशन होते हैं। तो वी आर नॉट अवेयर ऑफ देयर कल्चर, सो वी डोंट हैव एनी राइट्स टू कमेंट ऑन दैट। आप देखो कि यही कंट्रोवर्सी में किसी भी तिब्बतन भाई बहन का कमेंट नहीं आया है। कहने को तो लोग देखो राम जी और कृष्ण जी पे भी कमेंट कर देते हैं ना। अब तिब्बतन्स के पास कोई लॉबी नहीं है, उनका कोई नेटवर्क नहीं है, बिकॉज वो जो रिफ्यूजीज हैं दूसरे कंट्रीज में, उनका कोई मिनिस्टर्स में, गवर्नमेंट्स में, कोर्ट्स में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कि उनकी बात कर सके या उनकी लॉबिंग कर सके। एवरीथिंग मतलब दुश्मन देश के पास बड़े पैसे हैं, उनके बड़े स्लीपर सेल हैं, बहुत चीज़ें। अगर आपको लगता है कि इसमें प्रोपेगेंडा नहीं होगा और या इस अपॉर्चुनिटी का फायदा हमारा एनिमी नेशन नहीं उठा रहा होगा, तो बिल्कुल भी मिस्टेकन मत रहिएगा। मैं इस वर्ल्ड से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है और वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि जस्ट बी वेरी वेरी माइंडफुल। अगर आपको कुछ नहीं अच्छा लगता है, एक एंशियंट कल्चर से बिलोंग करते लोग हैं जिनको उन्हीं के देश से भगा दिया गया और उस समय वर्ल्ड ने ही कुछ नहीं किया, तो हमारा ये हक नहीं बनता है कि आज अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जहां हमें गलती दिख भी रही है तो हम इनसेंसिटिव कमेंट करें। वी कैन रिफ्रेन आवर सेल्फ इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से। मुझे पता है कि मुझ पर भी अटैक हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्पीकिंग इन सपोर्ट ऑफ हिम, बट आई थॉट कि अगर हम सिर्फ नेगेटिव वॉइसेस को, पॉजिटिव वॉइसेस जो हैं या पॉजिटिव जो जो सेन वॉइसेस हैं, अगर वो काउंटर नहीं करेंगी तो वही सच बन के रह जाएगा। सो इसलिए ज़रूरी है कि अच्छे लोग सामने आए और उनकी कलेक्टिव वॉइस लोगों तक पहुँचे। सो आप में से जितने लोग मेरी बात से सहमत हैं या हिज होलीनेस दलाई लामा के सपोर्ट में हैं, प्लीज़ आप अपना कॉमेंट करके अपना सपोर्ट ज़रूर शो करिएगा और प्लीज़ इसको शेयर करिएगा। Let evil not win. आप मुझे ट्रस्ट करते हैं तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जय हिंद।